ओम गंग गणपते नमः। वृषभ राशि वालों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 सितंबर से 7 सितंबर वृषभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल कैसा समय रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर यानी कि सितंबर माह के पहले सप्ताह का इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। हर विषय पर चर्चा करेंगे तो वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी, अंत तक वीडियो को पूरा देखें आप, क्योंकि वीडियो के अंत में वृषभ राशि वालों आपके लिए उपाय भी हैं। इस उपाय को करने से आपको इस समय लाभ होगा। वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार का राशिफल समय समय पर आप लोगों तक पहुंच सके। तो वृषभ राशि वालों, आपको बता दें कि यह जो समय है राहु के आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह व्यापार नौकरी में आपको लाभ देखने को मिलना है। इस सप्ते बिजनेस व्यापार में तो आपको यह लाभ होगा कि यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वह भी आप शुरू कर सकते हैं। यदि आपका पहले से कोई बिजनेस व्यापार चल रहा है उसमें अच्छे तरक्की मुनाफे के योग हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई योजना है उस पर कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होगी बिजनेस व्यापार। अच्छी तरक्की की दृष्टि से हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, तरक्की होगी बिजनेस व्यापार में, अच्छे लाभ भी मिलेंगे आपको। और नौकरी में क्या लाभ होगा, नौकरी में यह लाभ दिख रहा है कि आपको प्रमोशन इत्यादि के योग हैं, वेतन वृद्धि के योग हैं, स्थान परिवर्तन के भी योग हैं, ये लाभ आपको नौकरी में मिलेगा। उससे क्या परिवर्तन होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपको कई नए स्रोत प्राप्त होंगे धन जुटाने के, धन जोड़ने के, उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता की संभावना दिख रही है वृषभ राशि वालों। तो समय का लाभ उठाएं, तैयार रहें, सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी आपको इस समय। घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान वृषभ राशि वालों धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते दिखाई देंगे और इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र पर दूसरों की बातों में समय व्यर्थ नहीं करना, खुद आपको बढ़ना है आगे, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि के पहले लग्न भाव में स्थित होंगे। इसलिए किसी से कुछ भी ना कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बोलचाल कर रहे हैं सोच समझ कर करें, गलत किसी से ना बोलें, व्यवहार में अच्छा रखें व्यवहार को, अन्यथा क्या होगा बनते बनते काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। वैसे तो समय बड़ा अच्छा है परंतु इस समय को अच्छा और आपको बनाना है और साथ ही साथ इसी दौरान उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है जो किसी ऐसे विदेशी कॉलेज में दाखिला प्राप्त करना चाहते हैं जिससे वह काफी पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो विदेश जाने का सपना पूर्ण होता दिख रहा है। अच्छे कॉलेज में दाखिले की पूर्ण उम्मीद है। करियर की दृष्टि से करियर में लाभ होगा आपको और साथ ही साथ आप इस समय वाहन थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएं, वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना है अन्यथा दुर्घटना आदि के भी योग हैं। बचाव रखें, गलत संगति का साथ से भी दूर रहें, अन्यथा क्या होगा, वैसे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे परंतु जो आपसे जलन भाव रखते हैं आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, वो आपको थोड़ा पीछे रखने की भी कोशिश करेंगे। उनकी बातों में आपको नहीं आना है, बस अपने कार्य में आगे बढ़ना है और समय का लाभ उठाना है। और वृषभ राशि वालों, आपको एक बात और यह बताना चाहेंगे कि यह जो सप्ताह है
उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है जो एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में है। तो विवाह से संबंधित भी अच्छे प्रस्ताव आएंगे इस समय आपके लिए, और एक अच्छे जीवन साथी का भी आपको साथ मिलेगा। तो समय अत्यंत लाभप्रद है, समय का लाभ उठाएं इस समय का। और यह समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना है, सचेत रहना है। क्या सचेत रहना है? बदलते मौसम से थोड़ा आपको बचाव रखना है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, उससे बचाव रखें। आयुर्वेद चीजों का सेवन, नियमित योग प्राणायाम का सहारा स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा आपकी। और जिन लोगों के सोशल मीडिया और खान पान से जुड़े व्यवसाय हैं और शेयर मार्केट आदि से जुड़े जो लोग हैं, बिजनेस व्यापार अच्छे तरक्की के योग में हैं इस समय, तो जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम बनेगा, जो काम नहीं बन रहे थे वे भी बनेंगे, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में है, भाग्य की चाल आपके पक्ष में है। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन आपको लाभ देगा, क्योंकि राहु ग्रह के आपकी चंद्र राशि के 11 भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह लाभ ही लाभ है आपको। तो जो मौका मिले हाथ से ना जाने दें, क्योंकि आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस समय आपको काफी अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बिजनेस व्यापार से संबंधित हो, आपके शिक्षा से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, मौके मिलेंगे, परंतु उन मौकों को आपको भुनाना है, समय का लाभ उठाना है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, कोई अनमन है घर परिवार में, ग्रह कलेश वह भी शांत होगा, और एक अच्छे खुशनुमा वातावरण में समय को आप महसूस करेंगे, समय का लाभ उठाएंगे। अब वृषभ राशि वालों, आपके लिए उपाय क्या है इस सप्ताह आपके लिए उपाय? सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन वृषभ राशि वालों, आप लोग मंगल ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। इससे लाभ आपको यह होगा कि जो कार्य नहीं बन रहे थे वे भी बनेंगे, और हर ग्रह आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। मंगल ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें मंगलवार के दिन, लाभ स्वयं महसूस करेंगे। तो वृषभ राशि वालों, अगले वीडियो में मिलते हैं राशिफल के साथ, नए राशिफल के साथ। जो समस्या परेशानियों कमेंट्स करें हमें, उसका निवारण समाधान आपको बताएंगे। धन्यवाद।